हेलो दोस्तों, लाइव रिव्यू करने में मुश्किलें आ रही थी। नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा था जिसकी वजह से बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा था, ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिलहाल हम आप तक फिल्म अक्टूबर का रिव्यू लेकर आए हैं। फिल्म अक्टूबर रिलीज हुई है आज अप्रैल के महीने में। जी हाँ, अक्टूबर रिलीज हुई है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शुजित सरकार। शुजित सरकार जिन्होंने विकी डोनर, इसके अलावा पीकू, मैड्रास कैफे, पिंक जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं और अब वो लेकर आए हैं अक्टूबर। फिल्म की राइटर हैं जूही चतुर्वेदी, जो इन्हीं फिल्मों में उनका साथ देती नजर आई थी और एक बार फिर उन्होंने इस बार स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायलॉग्स की कमान संभाली है। फिल्में हैं वरुण धवन और इसके साथ ही बनीता संधु। बनीता संधु जो हैं वो ब्रिटिश मूल की हैं, ब्रिटिश एक्टर हैं, हालांकि वो भारतीय मूल से ताल्लुक रखती हैं। ये उनका डेब्यू है। फिल्म जो अक्टूबर है उसको लेकर जो पहली राय बनती है जब मैं फिल्म देखकर निकलता हूं तो ये होती है कि ये बड़ी नेचुरल फिल्म है। धैर्य के साथ देखेंगे, पेशेंस के साथ देखेंगे तो ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके दिल में उतर जाएगी। वहीं इस फिल्म को लेकर जब दूसरी राय बनती है कि ये एक नेचुरल फिल्म है, मतलब घटनाएं, जो तमाम इंसिडेंट हो रहे हैं, फिल्म जिस तरह से आगे बह रही है वो सब बहुत नेचुरल है। हम लोगों की जिंदगी में भी ये सब होता है, ये कहीं भी ड्रामा नहीं करती। बहुत सी प्यारी घटनाएं भी वहां पहुंचने में वक्त लेती है और ये खास बात है, फिल्म की यूएसपी है। इसके अलावा बात करें इस फिल्म की और खासियतों की तो फिल्म एक तरह से बहती नदी सी है। जी हाँ, फिल्म जब आप देखकर निकलते हैं, फिल्म को जब आप देखते रहते तो एक भी फ्रेम मिस नहीं करते। बहुत खूबसूरत तरीके से शूट हुई फिल्म है। फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ खासियतें हैं फिल्म की। तो सीधा कहानी पर आते हैं, आपको कहानी के बारे में बताते हैं। तो कहानी डैन और शिली की है। जी हाँ, डैन और शिली होटल व्यवसाय में हैं, नौकरी कर रहे हैं और एक फाइव स्टार होटल में, वो जहां डैन रूम सर्विस में है तो वहीं शिली एक एग्जीक्यूटिव है। डैन और शिली एक ही कॉलेज से निकले हुए, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके निकले हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। उल्टा डैन जो है वो शिली को नापसंद करता है, जबकि शिली की आंखों में आप डैन के लिए एक एडमिरेशन देखेंगे। वो चाहती है कि डैन उससे बात करे, अपनी तकलीफ बताए। वहीं डैन थोड़ा इम्पेशेंट है, रिलक्टेंट है, थोड़ा लगातार जो है वो अपने जॉब से ताल्लुक नहीं बना पा रहा है और वो उसकी फ्रस्ट्रेशन उसकी जॉब में दिखती है। कई बार वो ऐसी मुसीबत खड़ी कर लेता है जिसकी वजह से उसकी नौकरी तक जाने की बात हो जाती है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले शिवली, ये सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसका बॉस उसको सपोर्ट करता है जिसकी वजह से उसकी नौकरी चलती रहती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हो पाता। इसी बीच न्यू ईयर पर डैन जब शिवली से दूर रहता है, उसी वक्त शिवली एक हादसे का शिकार होती है और पूरी तरह से कोमा में चली जाती है। वो एक डेड बॉडी की तरह है। डैन लौटता है और शिवली को देखने पहुंचता है, एक कली ऑफिस कलीग की तरह। उसकी हालत देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है और उसे बेचैनी होती है। इसी बीच उसके दोस्त बताते हैं कि शिवली के साथ जब यह हादसा हुआ तो आखिरी बार उसने डैन के बारे में ही पूछा था कि डैन कहाँ है। डैन के मन में बात हो जाती है, डैन चाहता है कि शिवली जल्दी से ठीक हो और उसे पता चले कि आखिर शिवली किस वजह से उसे मिलना चाहती थी। अब ये पूरी फिल्म डैन और शिवली के बीच इसी रिश्ते की कहानी है, जहां शिवली एक डेड बॉडी की तरह वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। डैन से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। डैन बेचैन है अपने नेचर के मुताबिक और लगातार वो शिवली को चाहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जिसकी वजह से वो अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज करता है, अपनी फैमिली को तकलीफ देता है, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है। बस उसका एक मकसद है कि किसी तरह शिवली ठीक हो जाए, उसके जवाब मिल जाए। फिल्म इसी तरह अपने आप को बढ़ाती है, डेवलप होती है और एक धागे में बांधती चली जाती है। और इस पूरी कहानी में शिवली ठीक होगी कि नहीं होगी, वापस ये दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या वजह थी कि शिवली ने डैन को आखिरी वक्त तक पूछा, जबकि डैन और शिवली के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं, एक अच्छे दोस्त भी नहीं थे कह सकते हैं हम, जिस तरह से फिल्म डेवलप होती है। यही प्यारी सी कहानी है फिल्म अक्टूबर की और यकीन मानिए इस छोटी सी कहानी में बहुत कुछ खास है। मैं बयां नहीं कर सकता कि ये फिल्म किस हद तक मेरे दिल को छू पाई है। फिल्म में हॉस्पिटल हो या होटल हो, फाइव स्टार होटल और हॉस्पिटल, यही दो प्रिमाइसेस हैं जहां फिल्म ट्रेवल करती है और इन दोनों जगहों पर आप जो लोग हैं उनसे आपका रिश्ता जुड़ जाता है, आप उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी तकलीफों से, उनकी खुशियों से, उनकी बेचैनी, ये सब आपको बहुत ज़्यादा
अपने तक महसूस होती है। क्यों क्यों महसूस होती है? क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत आसान है। ये फिल्म आज की बात करती है और ये फिल्म ड्रामा नहीं पैदा करती। ये फिल्म बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही साफ तरीके से, बहुत शांति से, मैंने कहा कि बहुत शांति से देखेंगे, सब्र के साथ देखेंगे तो ये फिल्म आपके दिल में उतर आएगी। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जो है वो दिल में उतर आता है, वो कहानी के साथ आपको जोड़े रखने लगता है। फिल्म में गाने नहीं हैं, जी हाँ, फिल्म शुरू से आखिर तक बस बहती रहती है एक नदी की तरह, जिसे आप बस देख रहे हैं। और वाकई आपको इस फिल्म को एंजॉय करना है तो आपको चुपचाप इस फिल्म को देखते रहना है, तभी आप इस फिल्म के मकसद को समझ पाएंगे। फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म की कहानी, सब कुछ बहुत अच्छा है। हालांकि ये बहुत बड़े मास ऑडियंस के लिए नहीं है, बहुत मसाला ऑडियंस शायद इस फिल्म को ना देखे या उसे ये फिल्म कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो फिल्म को एक चांस दें, एक मौका दें, जाके देख के आएं और फिर अपनी राय बनाएं। फिल्म मुझे बहुत पसंद आई है। और कैरेक्टर्स की बात करें तो वरुण धवन के करियर की एक ऐसी फिल्म है जो उन्हें एज अ इंटेंस एक्टर, एक बहुत ही गंभीर एक्टर के तौर पर उन्हें स्थापित कर दे रही है। जी हाँ, उन्हें बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। उन्हें जिस तरह का एक चेंज बदलापुर ने दिया था, उसी तरह का चेंज ये फिल्म अक्टूबर देगी। उन्हें एक अच्छे एक्टर के तौर पर, एक बहुत ही मैच्योर एक्टर के तौर पर यहां हम देख सकते हैं। लेकिन फिल्म की जान जो है वो है बनीता संधू। जी हाँ, उनका डेब्यू है, लेकिन यकीन मानिए उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं। अस्पताल के बेड पर, या उससे पहले भी, उस हादसे से पहले, जब तक केवल उन्हें अपने बॉडी लैंग्वेज से काम करना था, उस वक्त भी उन्होंने जिस तरह का काम किया है, हैट्स ऑफ बनीता। जिस तरह से, मतलब वो फिल्म की जान है, वो आपकी आत्मा चुरा लेंगी। जी हाँ, वो अपने साथ आपको ले जाएंगी। और बनीता की ये फिल्म है, फिल्म राइटर की फिल्म है, फिल्म बहुत सारे लोगों का एक कहते हैं ना कलेक्टिव जो काम है वो दिखता है। फिल्म मैंने कहा बस ये मास ऑडियंस के लिए नहीं है। फिल्म मुझे बहुत पसंद आई है, फिल्म को मेरी ओर से 4 स्टार जरूर देखिए। फिल्म अक्टूबर।